नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान विष्णु की एक सच्ची भक्त की बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक महिला रहती थी जिनका नाम पोपा बाई था। वो भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी। वो उनकी पूजा सेवा पूरे नियम और प्रेम भाव से करती थी। उन्होंने अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर रखा था। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था और उनका एक बड़ा भाई था। भाई की शादी हो चुकी थी और वो दिन रात पोपा बाई की शादी की चिंता में लगा रहता था। जब भी कोई रिश्ता आता वो मना कर देती। उनके भाई को लगा कि ये सब उनके पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। एक दिन उनका भाई बोला कि तुम किसी भी प्रकार का पूजा पाठ अब नहीं करोगी। ये सुनकर पोपा बाई को बहुत दुख हुआ और वो बोली, मेरा जीवन भगवान को समर्पित है, मैं कभी शादी नहीं करूंगी और मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो, मैं यहां अब नहीं रहूंगी। और गांव के सभी लोगों को कह दो वो अपनी गाय बछड़ों को मेरे यहां घास चरने भेज दें, मैं पूरा दिन उनका ध्यान रखूंगी और वो अपने घर का बचा कुचा खाना मुझे दे देंगे। भाई ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर पोपा बाई नहीं मानी। वो अब अकेली गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगी और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा पूजा में बिताने लगी। एक दिन उस नगर का राजा शिकार करने जंगल जा रहा था। वो रास्ते में उस झोपड़ी को देखकर रुक गया। उसे प्यास लगी थी, वो झोपड़ी में पानी पीने पहुंचा। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई, कोई है, कोई है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। राजा लगातार आवाज लगाता रहा। अंदर से पोपा बाई बोली, कौन है? तो राजा उनकी मधुर आवाज पर मोहित हो गया और सोचने लगा, इतनी मधुर आवाज वाली खुद कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में पाप आ गया। बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपा बाई बोली, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, मैं किसी पर पुरुष का मुख भी नहीं देखती, शादी तो दूर की बात है। ये सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो गया और उन्हें जबरदस्ती अपने महल ले गया। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में जब रानियों को सारी बात पता चली तो उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि इस महिला को वापस छोड़ आओ, ये हमारे राज्य के विनाश का कारण हो सकती है। रानियों की बात सुनकर राजा जब पोपा बाई को वापस छोड़ने जाने लगा तब रास्ते में एक पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई बहुत दुखी थी क्योंकि एक पराय पुरुष ने उन्हें हाथ लगाया था और उनका सतीत्व नष्ट करने की कोशिश करी थी। पोपा बाई ने वहीं अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों को त्याग दिया। जब पोपा बाई धर्मराज के पास पहुंची तो उन्होंने पोपा बाई का बहुत आदर और मान किया और बोले, आपको वैकुंठवास तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से प्राण त्यागे हैं, परंतु भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको सोने का राज्य दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु की एक अनन्य भक्त पोपा बाई की कहानी। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राज है पोपा बाई का, वो लेखा लेगी राई राई का।